दुख आर्य सत्य। भिक्षुओं, दुख आर्य सत्य क्या है? पैदा होना दुख है, बूढ़ा होना भी दुख है, मरना दुख है, शोक करना दुख है, रोना पीटना दुख है, पीड़ित होना दुख है, चिंतित होना दुख है, परेशान होना दुख है, इच्छा की पूर्ति न होना दुख है। थोड़े में कहना हो तो पांच उपादान स्कंद ही दुख है। भिक्षुओं, पैदा होना किसे कहते हैं? यह जो किसी प्राणी का जिस किसी योनि में जन्म लेना है, पैदा होना है, उतरना है, उत्पन्न होना है, स्कंदों का प्रादुर्भाव होना है, आयतनों की उपलब्धि है, इसे ही भिक्षुओं पैदा होना कहते हैं। भिक्षुओं, बूढ़ा होना किसे कहते हैं? यह जो जिस किसी प्राणी का जिस किसी योनि में बुढ़ापे को प्राप्त होना है, दांत टूटना है, बाल पकना है, चमड़ी में झुर्री पड़ना है, आयु का खात्मा है, इंद्रियों का दुर्बल होना, इसे ही भिक्षुओं बूढ़ा होना कहते हैं। भिक्षुओं, मरना किसे कहते हैं? यह जो जिस किसी प्राणी का जिस किसी योनि से गिर पड़ना, पतित होना है, पृथक होना है, अंतर ध्यान होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है, काल कर जाना है, स्कंधों का अलहदा अलहदा हो जाना है, शरीर का फेंक दिया जाना है, इसे ही भिक्षुओं मरना कहते हैं। और भिक्षुओं, शोक किसे कहते हैं? यह जो जिस किसी विपत्ति से युक्त, जिस किसी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य का सोचना है, चिंता है, अंदरूनी शोक है, इसे ही भिक्षुओं शोक कहते हैं। और भिक्षुओं, रोना पीटना किसे कहते हैं? यह जो जिस किसी विपत्ति से युक्त, जिस किसी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य का रोना पीटना है, चिल्लाना है, इसे ही भिक्षुओं रोना पीटना कहते हैं। भिक्षुओं, पीड़ित होना किसे कहते हैं? यह जो शारीरिक दुख है, शारीरिक पीड़ा है, शरीर संबंधी क्लेश है, बुरी शारीरिक अनुभूति है, इसे ही भिक्षुओं पीड़ित होना कहते हैं। भिक्षुओं, चिंतित होना किसे कहते हैं? यह जो मानसिक दुख है, मानसिक पीड़ा है, मन संबंधी क्लेश है, बुरी मानसिक अनुभूति है, उसे ही भिक्षुओं चिंतित होना कहते हैं। भिक्षुओं, परेशान होना किसे कहते हैं? यह जो जिस किसी विपत्ति से युक्त, यह जो जिस किसी दुख से दुखित मनुष्य का हैरान होना है, परेशान होना है, इसे ही भिक्षुओं परेशान होना कहते हैं। भिक्षुओं, इच्छा की पूर्ति न होना दुख कैसे है? भिक्षुओं, पैदा होने वालों की इच्छा होती है कि हम पैदा न होते, हम पैदा न हों। बूढ़ों की इच्छा होती है कि हम बूढ़े न होते, हम बूढ़े न हों। रोगियों की इच्छा होती है कि हम रोगी न होते, हम रोगी न हों। मरने वालों की इच्छा होती है कि हम न मरते, हम न मरे। शोकाकुलों की इच्छा होती है कि हम शोकग्रस्त न होते, हम शोकग्रस्त न हो। रोने पीटने वालों की इच्छा होती है कि हमें रोना पीटना न होता, हमें रोना पीटना न हो। पीड़ितों की इच्छा होती है कि हमें शारीरिक क्लेश न होता, हमें शारीरिक क्लेश न हो।
चिंताग्रस्तों की इच्छा होती है कि हम चिंतित न होते, हम चिंतित न हों। परेशान होने वालों की इच्छा होती है कि हम परेशान न होते, हम परेशान न हों। लेकिन यह इच्छा से तो नहीं होता। इस प्रकार इच्छा की पूर्ति न होना दुख है। और भिक्षुओं, थोड़े में कौन से पांच उपादान स्कंद दुख हैं? यह रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद, विज्ञान उपादान स्कंद। भिक्षुओं, जितना भी रूप है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का, चाहे अपने अंदर का हो अथवा बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, यह सब रूप रूप उपादान स्कंध के अंतर्गत है। उसी प्रकार जितनी भी वेदनाएं हैं, वह सब वेदना उपादान स्कंध के अंतर्गत हैं। और जितनी भी संज्ञाएं हैं, वह सब संज्ञा उपादान स्कंध के अंतर्गत हैं। जितने भी संस्कार हैं, वे सब संस्कार उपादान स्कंध के अंतर्गत हैं। और जितना विज्ञान है, वह सब विज्ञान उपादान स्कंध के अंतर्गत है। भिक्षुओ, रूप उपादान स्कंध किसे कहते हैं? चारों महाभूतों को, तथा चारों महाभूतों के कारण जो रूप उत्पन्न होता है, उसे रूप उपादान स्कंध कहते हैं। भिक्षुओ, चार महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, धातु, जल, अग्नि तथा वायु। पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु तथा वायु धातु, यह चार महाभूत हैं। भिक्षुओं, पृथ्वी धातु किसे कहते हैं? पृथ्वी धातु दो प्रकार की होती है, अंदरूनी पृथ्वी धातु और बाहरी पृथ्वी धातु। अंदरूनी पृथ्वी धातु किसे कहते हैं? यह जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ठोस है, जैसे सिर के बाल हैं, बदन के रोए हैं, नाखून है, दांत हैं, चमड़ी है, मांस है, रगें हैं, हड्डी है, हड्डी के भीतर मज्जा है, कलेजा है, यकृत है, क्लोमक है, तिल्ली है, फुफ्फस है, आंत है, पतली आंत है, पेट में थैली है, पाखाना, और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ठोस है, खुरदरा है, उसे अंदरूनी पृथ्वी धातु कहते हैं। और यह जो अंदरूनी पृथ्वी धातु है, तथा यह जो बाहरी पृथ्वी धातु है, यह सब पृथ्वी धातु ही है। भिक्षुओं, जल धातु किसे कहते हैं? जल धातु भी दो प्रकार की होती है, अंदरूनी जल धातु और बाहरी जल धातु। अंदरूनी जल धातु किसे कहते हैं? यह जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जलीय है, बहने वाला है, तरल पदार्थ, जैसे पित्त है, कफ है, पीप है, लहू है, पसीना है, मेद है, आंसू है, चर्बी है, थूक है, सीड़ है, कोहनी आदि जोड़ों में जो तरल पदार्थ हैं, तथा जो मूत्र, और जो भी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जलीय है, बहने वाला है, तरल है, उसे अंदरूनी जलीय धातु कहते हैं। यह जो
अंदरूनी जलीय धातु है और यह जो बाहरी जल धातु है यह सब जल धातु ही है। और भिक्षुओं, अग्नि धातु किसे कहते हैं? अग्नि धातु भी दो प्रकार की हो सकती है, अंदरूनी अग्नि धातु तथा बाहरी अग्नि धातु। अंदरूनी अग्नि धातु किसे कहते हैं? यह जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अग्निमय है, गर्मी है, जैसे जिससे तपता है, जिससे पचता है, जिससे जलता है, जिससे खाया पिया भली प्रकार हजम हो जाता है, और जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अग्नि रूप है, गर्मी है, उसे अग्नि धातु कहते हैं। यह जो अंदरूनी अग्नि धातु है तथा यह जो बाहरी अग्नि धातु है यह सब अग्नि धातु ही है। और भिक्षुओं, वायु धातु किसे कहते हैं? वायु धातु भी दो प्रकार की हो सकती है, अंदरूनी वायु धातु तथा बाहरी वायु धातु। अंदरूनी वायु धातु किसे कहते हैं? यह जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वायु रूप है, वायु है, जैसे ऊपर जाने वाली वायु, नीचे जाने वाली वायु, पेट में रहने वाली वायु, कोष्ठ में रहने वाली वायु, अंग अंग में घूमने वाली वायु, आश्वास प्रश्वास में, और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वायु रूप है, वायु है, उसे वायु धातु कहते हैं। यह सब वायु धातु ही है। और भिक्षुओं, जिस प्रकार काठ, बल्ली, तृण तथा मिट्टी मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और उसे हम घर कहते हैं, जिस प्रकार काठ, बल्ली, तृण तथा मिट्टी मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और उसे घर कहते हैं, इसी प्रकार हड्डी, रंगे, मांस तथा चर्म मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और उसे हम रूप कहते हैं। भिक्षुओं, अपनी आंख ठीक हो लेकिन बाहर की वस्तुएं सामने न हो और न उनका संयोग हो, तो उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। भिक्षुओं, अपनी आंख ठीक हो, बाहर की वस्तुएं सामने हो मगर उनका संयोग न हो, तो भी उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। भिक्षुओं, जब अपनी आंख ठीक हो, बाहर की वस्तुएं यानी रूप सामने हो और उनका संयोग भी हो, तभी उनसे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए विज्ञान हेतु यानी प्रत्यय से पैदा होता है, बिना हेतु के विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। आंख और रूप से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है यह चक्षु विज्ञान कहलाता है। आंख और रूप से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है यह चक्षु विज्ञान कहलाता है। कान और शब्द से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है वह श्रोत विज्ञान कहलाता है। नाक और गंध से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे घ्राण विज्ञान कहते हैं। और काय स्पर्शेंद्रिय से और स्पर्श तत्व से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है वह काय विज्ञान कहलाता है। और मन तथा धर्म से यानी मन इंद्रिय के विषय से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है वह मनोविज्ञान कहलाता है। उस विज्ञान में जो रूप है वह रूप उपादान स्कंध के अंतर्गत आता है। उस विज्ञान की जो वेदना है
वह वेदना उपादान स्कंद के अंतर्गत है। उस विज्ञान की जो संज्ञा है वह संज्ञा उपादान स्कंद के अंतर्गत है। उस विज्ञान के अंदर जो संस्कार है वह संस्कार उपादान के अंतर्गत है, स्कंद के अंतर्गत है। जो उस विज्ञान यानी चित्त का विज्ञान मात्र है वह विज्ञान उपादान स्कंद के अंतर्गत है। भिक्षुओं, यदि कोई कहे कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संज्ञा के, बिना संस्कार के विज्ञान यानी चित्त यानी मन की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, उत्पन्न होना, वृद्धि तथा विपुलता का प्राप्त होना हो सकता है, तो यह असंभव है। यानी भिक्षुओं, यदि कोई कहे कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संज्ञा के, बिना संस्कार के विज्ञान यानी चित्त यानी मन की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, उत्पन्न या वृद्धि या विपुलता को प्राप्त होना हो सकता हो, तो यह असंभव है। भिक्षुओं, सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कार दुख हैं, सभी धर्म अनात्म हैं, क्योंकि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है तथा विज्ञान अनित्य है। और जो अनित्य है सो दुख है, जो दुख है सो अनात्म है। वह न मेरा है, न वह मैं हूं, न वह मेरा आत्मा है। इसलिए भिक्षुओं, इसे अच्छी प्रकार समझकर यथार्थ रूप में ऐसे जानना चाहिए कि जितना भी रूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार हैं, जितना भी विज्ञान है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का हो और चाहे भविष्य का, चाहे अपने अंदर का हो अथवा बाहर का, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला, चाहे दूर हो, चाहे समीप, वह न मेरा है, न वह मैं हूं, न वह मेरा आत्मा है। भिक्षुओं, जैसे इस गंगा नदी में बहुत सी झाग चली आ रही हो, फैन चली आ रही हो, उस झाग को या फैन को कोई आंख वाला आदमी देखे, उस पर सोचे और विचार करे, और सोचने तथा विचार करने से उसे वो झाग यानी फैन बिल्कुल रिक्त, तुच्छ तथा सारहीन मालूम दे। भिक्षुओं, झाग में क्या सार हो सकता है? उसी प्रकार भिक्षुओं, जितना भी रूप है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, उसे भिक्षु देखता है, सोचता है, उस पर अच्छी तरह विचार करता है। उसे देखने, सोचने, उस पर अच्छी तरह विचार करने से उसे वह रूप बिल्कुल ही रिक्त, तुच्छ तथा सारहीन दिखाई देगा। भिक्षुओं, रूप में क्या सार हो सकता है? इसी प्रकार यह आग लग रही है और तुम्हें आनंद तथा हंसना सूझता है। क्या तुम कभी किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जो 80, 90 या 100 वर्ष का हो, जो बूढ़ा हो गया हो, जिसकी कमर झुक गई हो, जो लाठी लिए चलता हो, जो कांपता हो, जो दुखी हो, जिसकी जवानी चली गई हो, जिसके दांत गिर गए हो, जिसके बाल पक गए हो, जिसका सिर गंजा हो गया हो, जिसके मुंह पर झुर्रियां तथा शरीर पर धब्बे पड़ गए हो, यदि तुम देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं होता कि मुझे भी बुढ़ापा आ सकता है?
मैं भी कभी बूढ़ेपन का शिकार हो सकता हूं। क्या तुम कभी किसी ऐसे स्त्री पुरुष को नहीं देखते जो पीड़ित हो, दुखी हो, अत्यंत रोगी हो, अपने पेशाब पाखाने में गिरा हो, जिसे दूसरे उठाकर बिठाते हो, दूसरे लिटाते हो? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं होता कि मैं भी बीमार पड़ सकता हूं, मैं भी कभी बीमारी का शिकार हो सकता हूं? क्या तुम कभी किसी ऐसे स्त्री पुरुष को नहीं देखते जिसे मरे एक दिन हुआ हो, दो दिन हुए हो या तीन दिन हुए हो, जिसका बदन सूज गया हो, नीला पड़ गया हो, जिसके बदन में पीप पड़ गई हो? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं होता कि मैं भी मरने वाला हूं, मैं भी मृत्यु का शिकार हो सकता हूं? भिक्षुओं, संसार अनादि है, अविद्या और तृष्णा से संचालित, भटकते फिरते प्राणियों के आरंभ का पता ही नहीं चलता। तो भिक्षुओं, क्या समझते हो, यह जो चारों महासमुद्रों का समुद्रों में पानी है, यह अधिक है, अथवा यह जो इस संसार में बार बार जन्म लेने वालों ने प्रिय और अप्रिय के संयोग और वियोग के कारण रो पीट कर आंसू बहाए हैं? भिक्षुओं, चिरकाल तक माता के मरने का दुख सहा है, पिता के मरने का दुख सहा है, पुत्र के मरने का दुख सहा है, लड़की के मरने का दुख सहा है, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहा, संपत्ति के विनाश का दुख सहा, रोगी होने का दुख सहा। उन माता के मरने का दुख सहने वालों ने, पिता के मरने का दुख सहने वालों ने, पुत्र के मरने का दुख सहने वालों ने, लड़की के मरने का दुख सहने वालों ने, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहने वालों ने, संपत्ति के विनाश का दुख सहने वालों ने, रोगी होने का दुख सहने वालों ने, संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण जो रो पीट कर आंसू बहाए हैं, वे ही अधिक हैं। इन चार महासमुद्रों का जल नहीं। तो भिक्षुओं, क्या समझते हो, जो चारों महासमुद्रों का पानी है यह अधिक है, अथवा यह जो संसार में बार बार जन्म लेकर शीश कटाने पर रक्त बहा है? भिक्षुओं, ग्राम घातक चोर है, करके सिर काटने पर, डाका डालने वाले चोर हैं, करके सिर काटने पर, पराई स्त्री के पास जाने वाले चोर हैं, करके सिर काटने पर, चिरकाल तक जो रक्त बहा है वही अधिक है, इन चार महासमुद्रों का जल नहीं। यानी भिक्षुओं, ग्राम घातक चोर है, करके सिर काटने पर, डाका डालने वाले चोर हैं, करके सिर काटने पर, पराई स्त्री के पास जाने वाले चोर हैं, करके सिर काटने पर, चिरकाल तक जो रक्त बहा वही अधिक है, इन चार महासमुद्रों का जल नहीं। यह किस लिए? भिक्षुओं, संसार अनादि है, अविद्या और तृष्णा से संचालित, भटकते फिरते आदमियों के आरंभ का पता ही नहीं चलता। इस प्रकार भिक्षुओं, दीर्घ काल तक दुख का अनुभव किया है, तीव्र दुख का अनुभव किया है, बड़ी बड़ी हानियां सही हैं, शमशान भूमि को पाट दिया है। अब तो भिक्षुओं, सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो।